अपनी तेज स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करने वाले साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी डेल स्टेन का ये आखिरी वर्ल्ड कप है। वैसे तो डेल स्टेन चोटिल होने की वजह से इस वर्ल्ड कप में खेल नहीं पाए हैं। 2018 से 14 तक लगातार वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर रहे डेल स्टेन का ये विश्व रिकॉर्ड है। इन्होंने 125 मैचों में 196 विकेट झटकाए हैं। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज जिन्होंने अपनी एक दिवसीय करियर की शुरुआत साल 2006 में की थी। न्यूजीलैंड टीम ने इस खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी और टेलर ने 226 मैचों में 8287 रन बनाए हैं। और सुना जा रहा है कि रॉस टेलर इस वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेंगे। क्रिकेट में फील्डिंग, बॉलिंग, बल्लेबाजी हर तरफ से कमाल दिखाने वाले शोएब मलिक भी इस विश्व कप के बाद संन्यास ले सकते हैं। अपने वनडे क्रिकेट करियर की शुरुआत 1999 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ की थी। आपको बता दें कि शोएब भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति हैं। पिच पर बल्ला लिए खड़े इस महामानव का नाम क्रिस गेल है। क्रीज पर पहुंचते ही गेंदबाज सोच में पड़ जाते थे कि गेंद डालें तो कहां डालें। अपने करियर की शुरुआत क्रिस गेल ने साल 1999 में की थी। गेल ने एक दिवसीय क्रिकेट करियर में 291 मैच खेलकर 10,222 रन बनाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया था। रन थ्रो पर जब ये गेंदबाज गेंद डालने के लिए खड़ा होता था तो दुनिया के महान से महान बल्लेबाज भी इनकी यॉर्कर का सामना करते चूक जाते थे। जी हाँ, इनका नाम है श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी लसित मलिंगा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2004 में यूएई के खिलाफ की थी। मलिंगा ने 224 वनडे मैचों में 334 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं भारत के उस महान खिलाड़ी की जिसे दुनिया के महान क्रिकेटर भी सलाम ठोकते हैं। देश में क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी, जी हां, इस वर्ल्ड कप के बाद माही भी संन्यास ले सकते हैं। कपिल देव के बाद महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने भारत को साल 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।